हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऑल दो आपको हमारे वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा, तो हम इस लेक्चर को शुरू करें। उससे पहले आप सभी को हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करना है और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को कौन कौन से इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं हाल ही में। ये इंटरनेशनल अवार्ड्स कुछ दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ ने दिया है या फिर कुछ दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश की एक बहुत ही चर्चित हस्ती हैं और इन पे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। सो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई कैन गारंटी कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही इस वीडियो का पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर। सो जो पहला अवार्ड है जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो अपोसल। जी, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोसल। ये अवार्ड रशिया के द्वारा दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी को। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकेंड अवार्ड, फिलिप कोटलियर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाल ही में दिया गया है ये अवार्ड। सो जो फिलिप कोटलियर प्रेसिडेंशियल अवार्ड है ये नरेंद्र सिंह मोदी जी को दिया गया है। क्यों? फॉर द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फॉर द कंट्री। और जो फिलिप कोटलियर है यानी कि जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया गया है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है जायद मॉडल। जी, जायद मॉडल, ये अवार्ड यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है जायद मॉडल। तो अभी तक हम तीन अवार्ड्स पढ़ चुके हैं जो कि एक रशिया ने दिया है, दूसरा है फिलिप कोटलियर अवार्ड और तीसरा है यूएई के द्वारा ये अवार्ड मोदी जी को दिया गया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट अवार्ड, दैट इज़ आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड। आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड ये दिया गया है अफ़गानिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है सियोल पीस प्राइज़, ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये अवार्ड। एक ये अवार्ड और एक फिलिप कोटलियर अवार्ड काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको वो सारे अवार्ड्स तो याद रहने ही चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, न्यूज़ में थे, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे थे। तो ये दो अवार्ड जो है सियोल पीस प्राइज़ एंड फिलिप कोटलियर अवार्ड ये आपको पता ही होने चाहिए। सो जो सियोल पीस प्राइज अवार्ड है ये साउथ कोरिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट है यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी को दिया गया है। इसके दो रीजन्स है। सबसे पहली बात, उनकी पॉलिसीज़ के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में ये बात श्योर करी है कि वो सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और 2022 तक प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करेंगे। सो ये अब तक हमने 6 अवार्ड पढ़े, तो लेट्स रिवाइज इट। फर्स्ट, पहला अवार्ड था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोसल जो कि रशिया के द्वारा दिया गया है। सेकेंड है फिलिप कोटलियर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, वो जो कि दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फॉर द कंट्री। थर्ड अवार्ड है जायद मॉडल जो कि यूएई के द्वारा दिया गया है। फोर्थ है आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड जो कि अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है। फिफ्थ, सियोल पीस प्राइज जो कि साउथ कोरिया के द्वारा दिया गया है। एंड सिक्स्थ वन इज़ यूएन चैम्पियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड 2018, ये अवार्ड दिया गया है फॉर द सोलार एनर्जी एंड प्लास्टिक बैन को 2022 तक बैन करने के उद्देश्य के कारण। सो जो नेक्स्ट है दैट इज सेवेंथ वन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड पैलेस्टीन देश के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। नाउ
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज जो हमारा लास्ट अवार्ड है दैट इज़ किंग अब्दुल्ला शाह अवार्ड, इस पे और आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड पे प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, नाम में दोनों में अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, सो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। सो आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है और किंग अब्दुल्ला शाह अवार्ड सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है। तो ये थे हमारे 8 अवार्ड जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को दिया गया है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि हमारा आज का वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।